तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से नजर आ रहा है कि समंदर में कंटेनरों में आग लगी हुई है। आपको हम जहाज में रखे कंटेनरों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। गोवा के पास समंदर में ये आग लगी और भीषण आग लग गई है समंदर के बीचों बीच। इन तस्वीरों को आप देखिए। तो शिप में आग लगने के बाद राहत और बचाव के काम को किया जा रहा है, लगातार ये काम जारी है। कोस्ट गार्ड के 3 जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। गोवा के पास समुद्र में एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। गोवा से तकरीबन 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम एक कंटेनर मालवाहक व्यापारिक जहाज में ये भीषण आग लगी थी। भारतीय कोस्ट गार्ड का एक दल आग को बुझाने की कोशिश में लगा हुआ है और इन तस्वीरों को आप देखिए, समंदर के बीचों बीच यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, आग पर काबू पाने की कोशिश इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से की जा रही है। तो समंदर में ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम लगातार तैनात है। कंटेनरों में ये आग लगी है और कोस्ट गार्ड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाती हुई गोवा के पास समंदर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी होती है समुद्री इलाके की रक्षा करना, या किसी भी तरह की कोई घटना हो तो उस पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपनी टीम को तैनात करना। और गोवा के पास समंदर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये जहाज आपको बता दें एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और अचानक कंटेनर में यहाँ आग लग जाती है। आग देखते ही देखते भीषण रूप ले लेती है और रात से लेकर सुबह तक हमने देखा तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी किस तरह से समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम तैनात है और पानी की बौछार की जा रही है। समंदर के बीच ये आग लगी और उसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। Z News.